हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टू रियलिटी टेक। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कोर्स ऑफ कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, जिसे हम लोग ट्रिपल सी भी कहते हैं, उसके लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या फीस आपको पे करनी पड़ेगी, कहां से एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, अपना रिजल्ट कैसे व्यू करेंगे और उसके बाद कैसे अपना ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे। ये जो ट्रिपल सी का कोर्स है, ये बहुत सी प्राइवेट नौकरी और गवर्नमेंट नौकरी में मांगा जाता है। यहाँ तक कि कुछ गवर्नमेंट नौकरी ऐसी हैं जहाँ पे ट्रिपल सी का कोर्स कंपलसरी होता है। अगर आपके पास उसका सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप उसमें अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। इस कोर्स में आपको जो कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक नॉलेज होती है वो सारी क्लियर कराई जाती है, वही आपको पढ़ना होता है, जिसको पढ़ने के बाद आपको एग्जाम देना होता है। इसके लिए आप फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर या बेसिक कंप्यूटर कोर्स की कोई भी किताब ले सकते हैं और उसको पढ़ के ये ट्रिपल सी का एग्जाम क्लियर कर सकते हो। आइए मैं ले चलता हूँ अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं कैसे आपको ट्रिपल सी के लिए अप्लाई करना है। आप आएंगे student.nilet.gov.in पे। ये URL मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप डायरेक्टली क्लिक करके इस पेज पे आ सकते हैं। ओपन होने के बाद आपके सामने इस तरह का पॉपअप आएगा, जो आप यहाँ से क्लिक करके क्लोज कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे राइट हैंड पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज आएगा, जिसमें अलग तरह के कोर्सेज को ऑनलाइन अप्लाई करने का ऑप्शन दिया गया है, जैसे ओ लेवल, ए लेवल, जो कि बहुत ही ज़्यादा अप्लाई करने वाले कोर्सेज हैं। इसी तरह से है बेसिक कंप्यूटर कोर्स का और ट्रिपल सी का। तो इसमें अगर आपको किसी और के लिए अप्लाई करना है तो प्रोसेस सबका सेम होता है, तो आप उसको देख के भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आज इस कोर्स को अप्लाई करेंगे, वो है ट्रिपल सी कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट का। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह की एक गाइडलाइन का फॉर्मेट आएगा, जो कि PDF फॉर्म में होता है। आप चाहे तो उसको यहाँ से डाउनलोड करके बाद में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इन शॉर्ट मैं बता दे रहा हूँ इसमें क्या दिया गया होता है। इसमें आपको किस तरह से अप्लाई करना है ऑनलाइन के लिए, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या आपकी फ़ीस लगेगी, वो सारी चीज़ें इसमें शो होती हैं। तो आप इसको सेव करके रख सकते हैं और बाद में भी देख सकते हैं। जो प्रोसेस मैं अभी आपको बताऊंगा वो इसी पैटर्न पे होगा, जो आपको भरना होगा, और बाद में कहाँ से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे और कहाँ से रिजल्ट देखेंगे वो सब ऑप्शन भी इसी PDF फॉर्म में आपको बता दिया गया है। तो यहाँ पे नीचे आने के बाद आप कंसेंट देंगे। कंसेंट देने के बाद आई एग्री एंड प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का फॉर्म आएगा। इस फॉर्म को मैं पूरा फिल कर ले रहा हूँ, फिर आपको एक एक स्टेप बताऊंगा कि कहाँ पे क्या आपको फिल करना है, क्या नहीं फिल करना और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। तो ये फॉर्म मैंने फिल कर लिया है। सबसे पहला ऑप्शन जो आता है उसमें पूछा गया है कि क्या आपके पास कोई ऑनलाइन एनरोलमेंट NILET का रेफरेंस नंबर है। अगर आपके पास है तो आप यहाँ यस करके उसको भरेंगे, वरना उसको नहीं रहने देंगे। उसके बाद पूछा गया है क्या इससे पहले आपने कभी ट्रिपल सी की परीक्षा दी है। अगर आपने दी है तो यस करेंगे, वरना नहीं रहने देंगे। जिसके लिए भी अप्लाई कर रहे हैं या फिर अगर आप खुद के लिए भर रहे हैं इस वीडियो को देख के, तो आप अपना पूरा नाम यहाँ पे लिखेंगे जो कि आपके आधार पे मेंशन हो। और नीचे भी देखिए एक नोटिफिकेशन दिया है कि फुल नेम एज पर द हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। तो कभी कभी होता ये है कि आधार पे नेम गलत हो जाता है, लेकिन हाई स्कूल के मार्कशीट या आपकी क्वालिफिकेशन में नाम अगर सही है तो आप अपना आधार अपडेट जरूर करा लें। उसके बाद यहाँ पे गार्जियन की इंफॉर्मेशन देनी होती है। अगर आप पेरेंट की दे रहे हैं तो आप पेरेंट पे टिक करेंगे। गार्जियन की देनी है तो आप गार्जियन सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पेरेंट की इंफॉर्मेशन के लिए आप पेरेंट पे टिक करेंगे और नेक्स्ट स्टेप में फादर का नेम पूछा गया आप वो लिखेंगे। और उनका नेम भी लिखा हुआ है फुल नेम एज पर एजुकेशनल और लीगल सर्टिफिकेट, तो उनका नेम जो आप उनके आधार पर मेंशन हो आप वो लिखेंगे। उसके बाद मदर का नेम जो होगा, जो भी एप्लीकेंट के मदर का नेम है आप वो लिखेंगे। जेंडर सेलेक्ट करेंगे एप्लीकेंट का, डेट ऑफ बर्थ एप्लीकेंट की सेलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कैलेंडर ओपन हो जाएगा, जो आपका DOB आपके आधार पे मेंशन हो वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। फिल करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कैटेगरी वर्क का, जहाँ पे आपकी जो कैटेगरी लगती है आप सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑक्यूपेशन का कि क्या काम आप करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है या अदर है। जो ऑप्शन आपका हो सेलेक्ट कर लेंगे। अगर अदर सेलेक्ट करेंगे तो एक ऑप्शन और खुलेगा, वो आपको फिल करना होगा। उसके बाद अगर आप दिव्यांग हैं तो आप यस सेलेक्ट करेंगे, वरना नो रहने देंगे। अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं, मतलब फाइनेंशियली कमजोर हैं, तो आप यस करेंगे, वरना नो रहने देंगे। अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो आपकी फीस में कुछ डिस्काउंट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको लैंडलाइन नंबर पूछा गया, अगर आपका कोई लैंडलाइन नंबर अवेलेबल है तो आप यहाँ भर देंगे, वरना इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद आपके पास जो वर्किंग मोबाइल नंबर है तो आप उसको फिल करेंगे। अगर नहीं है तो आप अपने फादर मदर किसी का नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद एक ईमेल आईडी डालनी होगी, अगर आपके पास अपनी ईमेल आईडी बनी है तो आप डाल सकते हैं।
वरना जिससे भी अप्लाई करवा रहे हैं वो अपनी ईमेल आईडी या किसी जानने वाले की ईमेल आईडी भी यहाँ फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस लिखना होगा। एड्रेस में पहली लाइन आपको लिखनी होगी कॉलोनी का नेम, दूसरी लाइन में आपका जो एरिया लगता हो, थर्ड लाइन आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपकी एड्रेस काफी बड़ा है तो आप उसको तीन पार्ट में कम्प्लीट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ सिटी सेलेक्ट करिए, स्टेट सेलेक्ट करिए और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करिए, और यहाँ पे जो आपके एड्रेस का पिन कोड लगता है वो आप डालिए। उसके बाद आपने जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कंप्लीट करी है वो आप यहाँ से ड्रॉप डाउन ऑप्शन पे क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे। अगर इसमें हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी मेंशन है तो सेलेक्ट करेंगे, वरना अदर के ऑप्शन पे सेलेक्ट करके आप अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ लिखेंगे। उसके बाद किस ईयर में वो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कंप्लीट की थी वो ईयर आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद इस फॉर्म को आप किस तरह से भरवा रहे हैं, मतलब आप डायरेक्ट खुद भर रहे हैं या किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू भरा जा रहा है, मतलब अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं और इंस्टीट्यूट की ओर से फिल किया जा रहा है या आपसे करवाया जा रहा है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके इंस्टीट्यूट का नेम भी सेलेक्ट करेंगे। लेकिन यह इस प्रोसेस में मैं आप डायरेक्ट भर रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डायरेक्ट इसको भरना है। तो यहाँ डायरेक्ट के ऑप्शन पे टिक करें। यहाँ अगर आप इंस्टीट्यूट के थ्रू भर रहे हैं तो आप यहाँ इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट करने के लिए जो भी इंस्टीट्यूट में ट्रिपल सी का कोर्स कराया जाता है वो देखिए, उस स्टेट को पहले आप सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद उस सेंटर को सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे ट्रिपल सी का कोर्स कराया जाता है। उसके बाद फिर वही ऑप्शन आ जाता है जो आपको डायरेक्ट में मिलता है। तो जब आप इंस्टीट्यूट पे नहीं टिक करेंगे, डायरेक्ट आप भर रहे हैं, तो आप यहाँ डायरेक्ट पे टिक करेंगे तो डायरेक्ट एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। तो यहाँ से एग्जामिनेशन एवरी मंथ एग्जाम साइकिल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट मंथ होता है जिसमें एग्जाम अप्लाई करने के लिए अवेलेबिलिटी होती है वो महीना आ जाता है, तो वो मंथ आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने के लिए दो ऑप्शन दिए गए होते हैं, मतलब दो एग्जामिनेशन सेंटर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उनमें से किसी एक में आपका एग्जाम हेल्ड होगा, मतलब परीक्षा आप उनमें से किसी एक में दे सकते हैं। यहाँ दो एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया है, तो आपका पेपर उनमें से किसी एक में पड़ सकता है। तो सबसे पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करना होगा कि किस स्टेट में वो पेपर आप देना चाहते हैं। उसके बाद उस स्टेट में कौन सी सिटी या डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आता है वो आप सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ लखनऊ सेलेक्ट कर लिया, तो जो सेकेंड ऑप्शन आएगा उसमें ये लखनऊ का ऑप्शन नहीं आएगा, तो मैंने स्टेट फिर से उत्तर प्रदेश कर लिया। और देखिए दूसरा जो ऑप्शन आता है मैं इस पर क्लिक करूंगा, तो यहाँ देखिए लखनऊ का ऑप्शन एल से अब सिर्फ दो ही ऑप्शन आ रहे हैं और लखनऊ का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो मैंने यहाँ पे सीतापुर कर लिया। जो भी आपके नियर हो वो आप दो सेंटर सेलेक्ट कर लेंगे, इन दोनों में से कहीं भी पेपर आपका पड़ सकता है। उसके बाद आपके पास आधार होगा तो आपको वो आधार नंबर यहाँ लिखना होगा। अगर आधार नंबर नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, ये मैंडेटरी नहीं। यहाँ पे आने के बाद आप फोटो अपलोड करेंगे जिसका साइज जेपीजी, जेपीएनजी, जीआईएफ, पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए और साइज 50 केबी के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, आपने जहाँ भी फोटो रखी है आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करते ही आपकी फोटो यहाँ पे आ जाएगी। उसी तरह से सिग्नेचर भी आपको जेपीजी, जेपीएनजी, जीआईएफ, पीएनजी में बनाना है और साइज 50 केबी के अंदर होना चाहिए। यहाँ चूज फाइल करेंगे, जहाँ आपने सिग्नेचर रखा है सेलेक्ट कर लेंगे तो आपका सिग्नेचर यहाँ आ जाएगा। उसके बाद आपको लेफ्ट थंब प्रिंट इम्प्रेशन भी देना होगा। अगर आप घर से अप्लाई कर रहे हैं और आपके पास इंक पैड नहीं है तो आप किसी भी पेन से अपने अंगूठे पे ब्लू रंग से या जो भी कलर का पेन आपके पास हो आप उसे अंगूठे पे लगा लेंगे और किसी पेपर पे उसका प्रिंट ले लेंगे और उसके बाद उसका साइज बना के 50 केबी के अंदर आप उसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद ये दिया गया कैप्चा कोड यहाँ डालेंगे। कैप्चा कोड इंटर करने के बाद कंसर्न पे टिक करेंगे और यहाँ सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन पे क्लिक करते बाद स्क्रीन थोड़ी सी वाइट हो जाएगी, आप कुछ रिफ्रेश मत करिएगा। स्क्रॉल करके आप ऊपर आएंगे, ये थोड़ा नीचे देखिए इस तरह से शिफ्ट हो जाता है तो वाइट वाइट दिखता है, तो आप स्क्रॉल करके जब ऊपर आएंगे तो देखेंगे आपका यहाँ एप्लीकेशन नंबर आ गया है, एग्जाम एप्लीकेशन की डेट एंड टाइम आ गई है और यहाँ आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई है। तो आप एक बार पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देख लेंगे, कहीं कुछ रॉन्ग तो नहीं है, खासकर आपकी जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आपका नेम। ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपका यहाँ थंब और सिग्नेचर आ जाएगा। अब यहाँ आपको फाइनल सबमिट करना होगा जिसके बाद इसको पेमेंट करा जाता है, तो यहाँ फाइनल सबमिट करेंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद देखिए इस तरह से ऑप्शन आएगा जिसमें आपकी पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी, एप्लीकेशन नंबर भी आ रहा है। अगर आप अपने एप्लीकेशन का प्रिंटआउट निकालना चाहते हैं तो यहाँ राइट टॉप कॉर्नर पर देखिए प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए ये आपका प्रिंट आउट आ जाएगा। आप इसको सेव करके भी रख सकते हैं। तो इसमें आपके एग्जामिनेशन सेंटर जो आपने सेलेक्ट करे हैं देखिए वो दोनों ही सेंटर के ऑप्शन यहाँ आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ एग्जामिनेशन सेंटर 1 ये लिख के आ रहा है और एग्जामिनेशन सेंटर 2 दोनों ही सेंटर आ रहे हैं। ये एक एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने फिल करा उसकी पूरी डिटेल है, तो आप इसको यहाँ से सेव भी कर सकते हैं।
और अगर आप किसी कस्टमर के लिए फिल कर रहे थे तो उसको निकाल के ये दे भी सकते हैं। और आप स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ अमाउंट शो हो रहा है कि क्या आपको पे करना है। फिर आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ CSC SPB के थ्रू भी पेमेंट हो सकता है, RTGS के थ्रू हो सकता है, NFT के थ्रू हो सकता है और ऑनलाइन भी हो सकता है। तो यहाँ आप ऑनलाइन सेलेक्ट कर लीजिए, ऑनलाइन सबसे सही रहेगा और इजीली आप पे कर सकते हैं। टिक करने के बाद आप देखेंगे नीचे यहाँ पे ऑनलाइन का ऑप्शन आ जाता है, तो आप यहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पेमेंट गेटवे पे रिडायरेक्ट कर देगा जहाँ आपको ये 590 का पे करना होगा। आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड और प्लस ATM पिन के थ्रू भी आप कर सकते हैं। उसके बाद इंटरनेट बैंकिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, QR कोड के थ्रू भी कर सकते हैं और UPI के थ्रू भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं डेबिट कार्ड से पेमेंट करूँगा, उसके लिए यहाँ डेबिट कार्ड पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जो आपका डेबिट कार्ड का नंबर होगा वो आप डालेंगे। तो यहाँ डेबिट कार्ड का नंबर डालेंगे, डेबिट कार्ड की जो एक्सपायरी मंथ होगी वो सेलेक्ट करेंगे, जो ईयर होगा सेलेक्ट करेंगे, CVV नंबर डालेंगे और डेबिट कार्ड जिसके नाम पे इशूड होगा आप उसका नाम लिख के मेक पेमेंट कर देंगे। अब मैं यहाँ पर आपको पेमेंट करके नेक्स्ट स्क्रीन दिखाता हूँ। पेमेंट करने के बाद आप वापस से होम स्क्रीन पे आएंगे और होम स्क्रीन पे आने के बाद अब आपको अपना CCC का एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड जब भी जनरेट हो जाता है तो आपने रजिस्ट्रेशन समय जो मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया होता है उस पर मैसेज के थ्रू बता दिया जाता है। डाउनलोड करने के लिए आप इंस्टॉल करेंगे, नीचे आएंगे और राइट साइड में अप्लाई ऑनलाइन के बाद आप देखेंगे थर्ड ऑप्शन है डाउनलोड एडमिट कार्ड का, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको वापस से CCC कोर्स कंप्यूटर का सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ गाइडलाइन दी गई है आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ COVID-19 रिलेटेड गाइडलाइन है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और आपको आरोग्य सेतु ऐप भी इंस्टॉल करनी होगी जिसमें आपकी प्रायोरिटी बताई जाएगी कि हाई है, लो है, आपकी जो हेल्थ होगी वो इशू भी उसी आरोग्य सेतु ऐप से चेक करी जाएगी। उसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ डिक्लेरेशन पे टिक करेंगे और यहाँ एग्री पे टिक करेंगे। एग्री करने के बाद आप स्क्रॉल करके थोड़ा सा ऊपर आएंगे क्योंकि यहाँ नीचे स्क्रीन स्क्रॉल बार काफ़ी बड़ा दिया गया है जहाँ पे स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि स्क्रीन ब्लैक कैसे हो गई। आप स्क्रॉल करके थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो आपको अपनी ये स्क्रीन दिख जाएगी। यहाँ एग्जामिनेशन सेंटर किस ईयर में आपने अप्लाई करा था और किस मंथ में आपका पेपर था, तो जैसे यहाँ की मार्च में आ रहा है तो मार्च सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन नंबर है आप वो डालेंगे और जो DOB रजिस्ट्रेशन समय यूज़ करी गई है या जो आपके आधार पर आप वो इंटर करेंगे। कैप्चा कोड डालेंगे और यहाँ व्यू पे क्लिक करेंगे। व्यू करते ही यहाँ पे कैंडिडेट की पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। मैंने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इन्फॉर्मेशन को ब्लर कर दिया है। उसके बाद नीचे देख सकते हैं ये ऑप्शन आ रहा है प्रिंट एंड एडमिट कार्ड डाउनलोड का, आप यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे जो एप्लीकेंट की इन्फॉर्मेशन होगी वो पूरी शो हो जाएगी कि किस टाइम पे किस सेंटर के लिए क्या अलॉट हुआ है, क्या उनका नेम है, कहाँ पे उनको जाना है, तो यहाँ पे वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप राइट हैंड पे आएंगे तो ऊपर प्रिंट का ऑप्शन भी है, आप इस पर क्लिक करके प्रिंट निकाल के अगर किसी कस्टमर को देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अगर आप अपने लिए अप्लाई कर रहे थे तो उसको सेव करके यहाँ से रख सकते हैं। ये एडमिट कार्ड ही आपको वहाँ पे एग्जाम के समय ले जाना होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके सेंटर का नाम है, यहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन है कि किस सेंटर में जाना है। एग्जाम देने के बाद आपको चेक करना होता है कि आपका रिजल्ट क्या आया, किस ग्रेड में आप पास हुए हैं, तो उसके लिए यहाँ आएंगे व्यू रिजल्ट के ऑप्शन पे। ये व्यू रिजल्ट का ऑप्शन है, यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद वापस से आपको वही सेम प्रोसेस, यहाँ पे आपको कोर्स सेलेक्ट करना होगा। तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आएगी जिसमें आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन सर्च करने का, सर्च बाय रोल नंबर, सर्च बाय कैंडिडेट नेम और सर्च बाय एप्लीकेशन नंबर। एप्लीकेशन नंबर वही होता है जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलता है जो मैंने पहले ही दिखाया था। तो यहाँ पे इस एप्लीकेशन को सर्च मैं एप्लीकेशन नंबर के थ्रू करूँगा। सर्च करने के लिए यहाँ पे आप एप्लीकेशन पे सर्च बाय एप्लीकेशन नंबर पे टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ ईयर सेलेक्ट करेंगे कि किस ईयर में ये पेपर दिया था। उसके बाद यहाँ पे आप वो मंथ सेलेक्ट करेंगे, एग्जामिनेशन का नेम वो मंथ होता है जिस मंथ में वो एग्ज़ाम को किया गया होता है, तो वो एग्जामिनेशन नेम आ जाता है। उसके बाद यहाँ एप्लीकेशन नंबर, DOB और कैप्चा करके आप व्यू करेंगे। तो मैंने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इन्फॉर्मेशन को फिर से ब्लर कर दिया है। व्यू करने के बाद देखिए यहाँ पे जो कैंडिडेट है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो मैंने यहाँ फिर से थोड़ा सा सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ब्लर कर दिया है, लेकिन आपको हाईलाइटेड जो ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है वो ग्रेड होगा कि किस ग्रेड से वो कैंडिडेट या आप पास हुए हैं, तो आपको पता करना होगा कौन से ग्रेड में क्या है। तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे सारे ग्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ए ग्रेड का मतलब होता है जो पासिंग मार्क्स आपको 75 से 84 तक मिले हैं, बी ग्रेड में आपको 65 से 74 तक मिला है, सी ग्रेड में 55 से 64 तक मिला है और डी ग्रेड में 50 to 54 मिला है। और उसके बाद जो डी ग्रेड के बाद है वो फेल का ऑप्शन होता है जो कि एफ करके आ जाता है।
अपना रिजल्ट देखने के बाद आप वापस से होम स्क्रीन पर आएंगे, जहां से आप अपना सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आप वापस स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहां देख सकते हैं ऑप्शन दिया है डाउनलोड सर्टिफिकेट का, इस पर क्लिक करेंगे और आप इस स्क्रीन पर आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद आपको सेलेक्ट करना होगा कि रेगुलर था आपका सर्टिफिकेट या मॉड्यूलर सर्टिफिकेट। तो यहाँ नॉर्मल रेगुलर होता है जो डायरेक्ट अप्लाई होता है। उसके बाद यहाँ पे आप कोर्स सेलेक्ट करेंगे कि किस कोर्स के लिए आपने अप्लाई करा था। तो जैसे कि ट्रिपल सी के लिए था, मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आप ईयर सेलेक्ट करेंगे। मैं इन्फॉर्मेशन को ब्लर करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको मैं बताता जा रहा हूँ कि कहाँ पे आपको क्या सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप ईयर सेलेक्ट करेंगे कि किस ईयर में वो पेपर आपने दिया था। उसके बाद मंथ क्या था, जिसे हम लोग एग्जामिनेशन भी बोलते हैं, एग्जामिनेशन नेम। उसके बाद जो आपका रोल नंबर था वो आप डालेंगे, स्टूडेंट की DOB डालेंगे, और ये जो कैप्चा कोड दिया गया होता है, कैप्चा इमेज में कैप्चा कोड दिया गया है, वो आप यहाँ कैप्चा कोड में इंटर करके सबमिट करेंगे। एक OTP जिस नंबर से रजिस्ट्रेशन किया गया था उसके ऊपर भेजी जाएगी, वो OTP आपको यहाँ डाल के सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद यहाँ कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन आएगी और नीचे फिर से ग्रेड दिए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि कौन सी ग्रेड का क्या मतलब है। और नीचे देखिए ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड सर्टिफिकेट का, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक सर्टिफिकेट आएगा। ये सर्टिफिकेट आपकी गवर्नमेंट की बहुत सी जॉबों में आपके काम आएगा। तो आप किसी भी सरकारी नौकरी के लिए या किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं जिसमें CCC का कोर्स का सर्टिफिकेट आपसे मांगा गया होता है, तो आपसे अगर सीरियल नंबर मांगा गया होता है तो आप ये वाला नंबर डालेंगे, लेकिन अगर आपसे रोल नंबर मांगा गया होता है तो आप ये नीचे वाला रोल नंबर यहाँ पर डालेंगे। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन किस तरह से आपको अपना CCC के सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। इस तरह की मोर इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट या क्वेश्चन है CCC को लेकर, तो आप नीचे मुझे कॉमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।